5000 फिर बोलेंगे वन वन खटाक खटाक देखो मैंने कर दिया ये एक्स वाई सी जीरो 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 उत्तर आ गया। ये ऐसे कौन करता है यार, गणित पढ़ा रहे हो बे, डरा रहे हो बे। इस वीडियो में हम देखेंगे देश के ऐसे महान शिक्षकों को जिसके क्लास में बैठकर आप बोरिंग फील तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के वक्त पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं कर पाते, वो एक बार अनुष्का मैम का क्लास करके देखे। बच्चे को कौन पूछता है, बच्चे का बाप भी क्लास ज्वाइन कर लेगा। टोटल चार एजेस आती है, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती है। ये जो तुम लोग गलती से निकल गया मुझसे, मैं भी बोलना था मुझे, ठीक है, हंसो मत ज्यादा, डोंट स्माइल। तो मैं डिस्टेंस को ए को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं क्या आपको पता है 11वीं 12वीं के कुछ लौंडे कॉलर खड़ा करके क्यों चलते हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए अवध ओझा सर से। 11th और 12th आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकल दोगे छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, दो बटन खुली हुई है, टाई खींची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है, कॉलर कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव कॉलर खड़ा हो गया। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव कॉलर खड़ा हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे अवध सर सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाते, बच्चों के बाप को भी पढ़ा देते हैं, और ऐसा पढ़ाते हैं कि जिन लड़कों के साथ पहले से यह होता है वो तो बस यही सोचेगा कि सर चिल्ला चिल्ला के यह स्कीम सबको बताने की क्या जरूरत है। अब तो मेरे सारे दोस्तों को भी पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी दूसरों के सामने मेरा कुछ ज्यादा ही स्वागत क्यों किया करते हैं। परिवर्तन को समझो, 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे, उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले जाते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे पर वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कार्पेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा। दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस वीडियो को देखने के बाद से किसी जिल्ले लाही के पिताजी उनके गर्लफ्रेंड के सामने रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करे तो गर्लफ्रेंड और दोस्तों के दिमाग में बस यही चलेगा कि कल तो जिल्ले लाही का रूम बंद करके कुटाई तय है। वहीं कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बेटा कवि बने और माँ चाहती है कि बेटा टीचर बने, तब जाकर बेटा ये बन जाता है। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, तो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। वैसे कुछ निब्बा इसे निब्बियों को प्रपोज करते वक्त शायरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निब्बी मान गई तो ठीक, वरना बोल दो दीदी हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। वहीं जब पिता सोचे बेटा रेफलर बनेगा, माँ सोचे बेटा एक्टर बनेगा और बेटा सोचे मैं टीचर बनूंगा, तब बेटा धांसू सर जैसे बन जाते हैं। अरे जीते जी कुछ करके दिखाइए, जीते जी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाइए, मेरे शरीर के अंदर आग आती है, मुझे याद आती है अपने पेरेंट्स के। आज के बाद अगर तुम्हारी माता तुमसे कहेगी ना तो सिर्फ एक ही बात को कही, मुन्ना सो जा मुन्ना सो जा मुन्ना, धांसू सर आ जाएंगे, धांसू पढ़ा देंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारे स्थिर कंधों पर लग जाएंगे, सो जा एंजॉय के साथ पढ़ने का।
कि मैं नहीं सोऊंगा, मुझे पता है मैं नहीं सोऊंगा, धांसू सर आ जाएगा, नौकरी लगा देगा सरकारी नौकरी अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के नहीं चाहिए, ये मजदूर का हाथ नहीं रे कातिया, ये मास्टर का हाथ है जो तुम्हारा जीवन बदल देगा रे बाबा। ऐसे सर का ऑनलाइन क्लास में ये हाल है, ऑफलाइन क्लास में तो अगर किसी दिन 5000 के जगह 4000 बच्चे पहुंच जाते होंगे तो सर 4000 को पटक पटक कर 5000 बना देते होंगे। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया एक मारकर जब चलाऊंगा, यहाँ मारकर जब चलाऊंगा, जब 5000 मुझे दिखना चाहिए, 5000 स्टूडेंट्स मुझे दिखना चाहिए, 5000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5000 चाहिए मुझे, 5000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है, महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना मुझे, 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। वहीं जब पिता सोचे बेटा मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा और माँ सोचे बेटा कॉमेडियन बनेगा और बेटा टीचर बनना चाहता हो, तब जाकर बेटा खान सर जैसे बन जाते हैं। लड़कियां देखिएगा, जितना नखड़ा वाली लड़कियां रहती है सबसे पहले पति आस्था दिखाती है, देखेंगे सर आपको ना, तो देख कैसे मुंह घुमाएंगे, कैसे मुंह ऐसे घुमाएंगे, तो फिर वापस ले आ देंगे सर। तो घूम के वापस आ जाना क्या कहलाता है? प्रति आस्था। भगवान एक बार उसकी प्रति आस्था को अस्थाई कर देता ना, 6 महीना के लिए घूम ले रह जाता। कोई पूछते क्या हुआ है, अरे उसको देख के हम भाव खा रहे थे, भगवान टेढ़े छोड़ दिए। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी, समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सर, ये सब चीजों को जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। इमोशन, अब वो क्या सोचेंगे सब लड़की सब, उनमें इमोशन ज्यादा होता है, मेहंदी लगा लेगी सब और सोचेगी सब आदमी तारीफ करे कितना अच्छा है, मेहंदी लगाएगी ना तो हाथों में झूला झूला कर किसी को पानी देगी, हाँ लीजिए पानी पी लीजिए, पानी नहीं दे रही है, चाह रही है तू हमार मेहंदिया देख और देख और तारीफ कर, और तारीफ जैसे करेंगे उसका सेरिब्रम खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरा मेहंदी तो लड़कियां फोनवा पे बतियाती हैं सब ना, तो माँ बाप इग्नोर कर देता है, बहुत ही खचरी होती है सब, बाथरूम में जाएगी सर तो टोटिया खोल देगी सर, भड़बड़ 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 बोलेगा, अंदर बतियाएगी सर, हाँ अरे हम नहाने के बहाने आए हैं, बताओ खाना खाए कि नहीं हम, जब बेचती। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।